आज मैं आप लोग को मटन की एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसे आपने ना ही कभी खाया होगा ना बनाया होगा। मटन की इस रेसिपी को बनाएं और तारीफों को जमा करते जाएं। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं डैशिंग कुकिंग। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में लगी घंटी को भी दबाना ना भूलें। चलिए हमारा गोश्त मिसाल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है 1 किलो मटन, 4 बड़ी साइज की प्याज जिन्हें हमें लंबा लंबा काटना है, कुछ मसाले जिनमें है नमक स्वाद अनुसार, सौंफ का पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, कुछ खड़े मसाले जिनमें हमें चाहिए 3 इलायची, चक्रफूल, 2 बड़ी इलायची, जावेत्री, लौंग, नटमेग, दालचीनी, काली मिर्च और तेजपत्ता, 1 कप दही। अगर आपका दही फ्रेश है तो और अच्छी बात है, वरना आप कैसा भी दही ले सकते हैं। 1/4 कप जिंजर गार्लिक पेस्ट जिन्हें हमें घर पे ही पीसना है या फिर आप मार्केट का भी ले सकते हैं। 1/4 चम्मच हींग। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दही ले लीजिए और उसमें हमारे सारे मसाले मिला दीजिए जिसमें है जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, सौंफ का पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसे आप अच्छी तरह से मिलाएं। इसे आप चाहे तो फोक से मिलाएं या फिर विस्कर से मिलाएं। कोशिश कीजिए कि इसमें कोई लम्स ना हो। एक कुकर ले लीजिए और उसमें डालिए 4 बड़े चम्मच तेल। आप सरसों का तेल ले सकते हैं, मैंने तो रिफाइन ऑयल लिया है। इसमें डालिए 1 बड़ी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग और हमारे सारे खड़े मसाले। इसमें मिलाएं प्याज, हम प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक वो सुनहरी ना हो जाए। अब इसमें मिलाएं जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम इसे 5-6 मिनट तक भूनेंगे। इसे मिला दीजिए 1 बड़ी चम्मच शक्कर। शक्कर से ये होता है कि हमारी जो प्याज है वो अच्छी तरह से भुन जाती है और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है। हम इसे 5-6 मिनट तक सौते करेंगे जब तक इससे तेल ना छूटने लगे। उसके बाद इसमें मिलाएंगे मटन। इसको हम और 5 मिनट तक भूनेंगे। इसे आप ढक ढक कर ही पकाएं। मटन पानी छोड़ने लगा है, यही सही टाइम है आप इसे इसका जो ढक्कन है वो लगा के 20 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएं। 20 मिनट तक हमें टाइम से रखना है दोस्तों, हमें विसल्स नहीं काउंट करनी है, मतलब सीटियां नहीं काउंट करनी है इसमें। हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। ज
जब हमारा मटन 20 मिनट बाद रेडी हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मटन से काफी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मिलाएं दही जो हमने सबसे पहले बनाया था, दही और मसालों का मिक्सचर। दही और मटन को अच्छी तरह से मिलाएं। इसका ढक्कन लगा के इसे 2 सीटियों तक पकाएं। ध्यान रखें कि इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम तक ही पकाना है। और बस हमारा मटन रेडी है या फिर गोश्त मिसाल रेडी है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी रेसिपी में क्या चूक हो गई या फिर हमारी रेसिपी कैसी थी। स्वस्थ रहें, फिट रहें, कनेक्ट रहें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।